क्लास 9वीं और 11वीं के स्टूडेंटों, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और टेंशन हो रही है एग्जाम्स की, तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके कुछ पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करके, आपके लिए कुछ आई अपडेट्स को एनालिसिस करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको इस लास्ट टाइम में पढ़नी है ताकि आप आराम से पास हो जाए। देखिए, मैं साफ बोल रहा हूँ, किसी को टॉप करना हो उसके लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जिनको सिर्फ अच्छे नंबर लेके आने हो, लाइक 80-70% और पास होना हो। टॉप करना हो तो भाई उसको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जिनको सिर्फ पास होना हो और अच्छे नंबर लेके आने हो, ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th और 11th के जो एग्जाम्स रहेंगे, वो सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनके ऊपर फोकस करना है। ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक आर्टिकल भी आया था, 9th और 11th जो क्लास होती है वो 10th और 12th का बेस होती है। तो इसीलिए आपके जो बेसिक प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो आपको बोर्ड की वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा बोर्ड वालों के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दो वेबसाइट प्रोवाइड करवा दूंगा, उन पे भी विजिट करके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गूगल पे भी मिल जाएंगे अगर आप किसी और बोर्ड से हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर कर लो भाई, आराम से जो है तुम पास हो जाओगे, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। बात करूँ जिनको और अच्छे नंबर लेके आने हो, तो उनके लिए यहाँ पर क्लियर है कि एनसीईआरटी से पूरा का पूरा पेपर बनने वाला है। तो आप लोग जो है इस लास्ट टाइम में अब सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं और आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस वही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर और एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं तो यार आप मान के चलिए आपको पास होने से, अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको वह नहीं कह रहा कि भाई आप कोई सैम्पल पेपर करो, आप पूरे के पूरे नोट्स पढ़ो, लंबे लंबे 10-10 पेज पढ़ो, नहीं। सिर्फ ये दो चीज़ें कर लीजिए, यानी कि सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है। क्योंकि ये लास्ट टाइम में आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर पास होना है तो मैंने आपको बता दिया है। तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, 9th और 11th क्लास के लिए जो है मैंने भी वीडियोज़ बना रखी हैं, यूट्यूब पर भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, सिलेबस सभी बोर्डों का लगभग सेम है, तो आप लोग उन वीडियोज़ की भी हेल्प ले सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। मैं अपनी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात करता हूँ आपके एग्जाम्स के अंदर, यहाँ पर अब की बार जो चेकिंग होगी उसमें भी बोल दिया गया है कि यहाँ पर जो है स्मूथ चेकिंग होगी, एरर फ्री पॉलिसी होगी। तो आप लोगों को अपने एग्जाम्स के अंदर हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है, कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग नहीं करनी है, हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है। और आप देखेंगे कि अगर आप अटैम्प्ट करके आए हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 5 में से 5 मिले, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर मिलेंगे, 5 में से 2 मिल जाएं। जैसे कोई क्वेश्चन है तुम कुछ भी बना बना के लिख के आ गए, तो 5 में से 5 नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 में से 2 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि अब की बार जो चेकिंग है उसको भी थोड़ा थोड़ा बदला जा रहा है, तो आप लोग लिख के ज़रूर आएँ अपने एग्जाम्स में, कुछ भी खाली छोड़ के ना आएँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं लास्ट में बात करूँ कि आप लोग जो है 9th और 11th जो क्लास है, अब तुम्हारे जो आगे आने वाली क्लासेज हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट भी करना है आपको, क्योंकि आपको पता है 10th और 12th क्लास जो है वो बोर्ड की क्लासेज होती हैं। और भाई अब आपको पता है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा कठिन होता जा रहा है। तो आप लोग अब 9th और 11th में मत उलझे रहिए, हाँ पेपर दीजिए, काम खत्म, लेकिन अब आगे की सोचिए थोड़ा सा कि भाई आपकी जो आगे आने वाली क्लासेज हैं उनकी स्टडी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करनी है आपको। और आपकी जो 9th और 11th है उसमें कम नंबर आ गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें आपको अच्छा स्कोर करना है, ये मान के चलिए। 9th और 11th अगर आपने पास भी कर ली ना तो भी आप वही हैं, और एक जो टॉपर होगा 9th 11th का वो भी वहीं रहेगा। लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है ना वो डिसाइड करेंगे कि भाई कौन जो है आगे जाने वाला टॉपर है और कौन जो है पीछे रहने वाला है। क्योंकि 9th और 11th वो बेसिक होम बोर्ड हैं, तो उनमें आपका जो है आराम से आपको पास कर दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बोर्ड क्लासेस की तैयारी करिए, ये मेन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अब यहाँ पर 9th 11th में, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मत पढ़ो, पढ़ना है, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन इसकी नहीं लेनी है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड एग्ज़ाम्स की। तो आप लोग धीरे धीरे अब जल्दी से एग्ज़ाम दीजिए, किस किस के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद आपको 10th और 12th की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और यहाँ पर 9th और 11th के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, और हरियाणा बोर्ड वालों के लिए तो मैंने प्रोवाइड भी करवा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो वेबसाइटों का लिंक डाल दिया है। इसके अलावा NCERT के क्वेश्चंस पढ़ लो, इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने भी बना रखी हैं, सिलेबस वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जो है इनसे तैयारी कर लीजिए और आपके अच्छे नंबर आएंगे, मैं लिख के देता हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप 9th क्लास से हैं, 11th क्लास से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।